Good morning students, this is KD sir from Shivam Education. I hope you all are safe and doing well. आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? राइट, ये कोरोना का सेकेंड फेज आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब करता होगा, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करता होगा, राइट? तो अभी भी ऑफलाइन क्लासेस अच्छी तरह चल रहे थे और फिर से ये ऑनलाइन आ गया और शायद कोर्स भी सिलेबस भी फिनिश हो गया होगा. Now the main very important phase is revision. Now it's revision time. और revision ही बहुत ही important है हर student के लिए. अगर आपने revision सही किया तो आप जो आपके dream marks है, dream percentage है, वो आप हासिल कर सकते हैं. तो students, I am here to help you to secure, to score your dream percentage. Okay? ये video को आप लास्ट तक देखिएगा. ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हर एक स्टूडेंट, 10th 12th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो सो दैट ऑल स्टूडेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये जो रिविजन सॉल्यूशन जो आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कोरोना टाइम में, राइट, इसे पूरे डेडिकेशन के साथ इसे कम्प्लीट करना, बरोबर, इसे फॉलो करना. आई नीड योर 100% सो दैट यू कैन स्कोर योर ड्रीम मार्क्स. ओके, कोई बड़ी बात नहीं है. देखिए, अभी प्रीलिम्स के एग्जाम हुए होंगे आपके, राइट? तो आपके इर्द गिर्द, आपके एरिया में या आपके शहर में जो 7 to 8 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो बहुत ही फेमस स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के प्रीलिम पेपर्स कलेक्ट करो, राइट, और उन पेपर्स को सॉल्व करो बैठ के, राइट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं एक बार करूं तो मुझे आता है, ये इसको मुझे याद नहीं करना है, तो ये गलती मत करना, राइट. फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड ले लीजिए, आप मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक स्कूल का आपने पेपर सॉल्व कर दिया, राइट, दूसरा पेपर फिर से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ, डू दैट सम सेकेंड टाइम. You are solving the paper, right? तो solve it 100%. ये आपको practice भी देगा, at the same time आपका जो गलती है वो सुधारने के chances मिलेंगे. अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख के solve करो, देख के solve करो, लेकिन जितनी बार आप practice करोगे आपको perfection की ओर ले जाएगा. 12th कॉमर्स भी ऐसा ही है, आप अकाउंट्स और स्टैट्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर सम्स रिपीट हो रहे हैं, अगर इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं, तो उसे इग्नोर मत करो, समझ लेना कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर ये 6 से 7 स्कूल अगर आप सॉल्व करते हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम का एक एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा. So I will request you, suppose if you are solving maths paper 10th standard or 12th standard science or 12th standard commerce student solving stats or any physics, right? So when you are solving it, prepare one notebook, separate notebook rakho aur har ek ka paper ka title dijiye aur solve karo, right? Ye jo aapka notebook banega 7 schools ka prelim papers ka, ye ban jayega aapke liye revision reference notebook. ये रेफरेंस रेफरल नोटबुक क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम के टाइम जाते हैं तो आपको सिर्फ रेफ़र करके जाना है. उस वक्त आपको जो 3 घंटे के पहले या जो एग्ज़ाम के पहले दिन इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तब आपने जो ये मेहनत किया है उसे खाली एक बार रेफ़र कर दीजिए एंड यू विल स्कोर 100 out of 100. आई एम डैम श्योर दैट यू विल स्क्वायर 10%. ओके, सो प्लीज़ फॉलो दिस. अच्छा, अब आपके शहर या आपके इर्द गिर्द कौन से स्कूल है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शिवम एजुकेशन जो मणिनगर एरिया है, मैं कुछ 7 स्कूल्स की लिस्ट लेता हूँ, यहाँ के बच्चों को तो ये काम आएगा, राइट. इसी तरह आप अपने एरिया के या अपने शहर के स्कूल्स ढूंढ लीजिए. ओके, ये 10th स्टैंडर्ड का लिस्ट है, हेब्रॉन, बेस्ट, ब्राइट मणिनगर, JL मणिनगर, रूप्स, नेल्सन, प्रगति, जेवियर्स, GLS, राइट. अगर आपको ये इनमें से अगर 6-7 पेपर भी मिल जाते हैं तो पूरा आपका पूरा पेपर सॉल्व कीजिए. ओके, इसी तरह 12th कॉमर्स वालों के लिए भी स्कूल्स के लिस्ट देता हूँ. ये है 12th कॉमर्स का लिस्ट, नेल्सन, JL, रूप्स, प्रगति, बेस्ट, जेवियर्स एंड ब्राइट मणिनगर. ओके, दिस 7 पेपर्स, राइट, प्लीज सॉल्व इट आउट इंडिविजुअली. हर एक
पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करो, विदाउट ऑप्शन सॉल्व करो, सो दैट यू गेट प्रैक्टिस। देखिए ऐसा है ना कि ये सॉल्व करने से आपको कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो प्लीज़ सॉल्व कीजिए, ओके। और इसी तरह साइंस वाले भी, जो साइंस में गिन के 4-5 स्कूल से होते हैं, वो सारे 4-5 स्कूल के पेपर सॉल्व कीजिए, ओके, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ओके। और सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट, एंड प्लीज़ फॉलो दिस आइडिया। आई एश्योर यू, यू विल गेट योर ड्रीम मार्क्स ड्यूरिंग दिस बोर्ड एग्जाम्स, ओके। ट्राई टू सॉल्व मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस कंपल्सरी, ये 4 सब्जेक्ट, और कॉमर्स में अकाउंट्स, स्टैट्स कंपल्सरी, बीए, और ये इकोनॉमिक्स में जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स हैं, अभी ये बार 30 मार्क्स है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, सो दैट यू गेट गुड डेटाबेस ऑल्सो, ओके। तो आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, ओके। आई होप यू गॉट द आइडिया, प्लीज सॉल्व इट आउट, बेस्ट ऑफ लक, राइट, बी सेफ, बी हेल्थी, बाय फॉर द डे, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। बाय फॉर द डे, बेस्ट ऑफ लक।